हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ इंसेक्टिसाइड्स वर्क्स, यानी कि इंसेक्टिसाइड जो है वो कैसे काम करता है। जैसे कि आप जानते ही हैं, अगर हम इंसेक्टिसाइड्स को किसी प्लांट्स पर स्प्रे करते हैं तो उसके बाद में इंसेक्ट आके उस प्लांट के पार्ट्स को खाता है और खाने के बाद तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो पैरालाइज हो जाता है। तो कैसे इंसेक्टिसाइड उसके बॉडी में जाके वर्क करता है, इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो इंसेक्टिसाइड जो है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, जिसके कारण हम इसे कम क्वांटिटी में भी यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है। तो ये जो है एक नॉक गैस एजेंट की तरह काम करता है, जो कि डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है। कैसे हम बाद में देखेंगे, फिलहाल देखते हैं कि कितने टाइप्स के इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। तो इंसेक्टिसाइड जो है हमें जनरली दो टाइप्स के देखने को मिलते हैं, एक है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड और दूसरा है सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। तो पहले हम देखते हैं कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स के बारे में। तो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स यानी कि क्या, अगर हम इंसेक्टिसाइड्स को उस इंसेक्ट पर स्प्रे करते हैं तो वो इंसेक्टिसाइड्स उसके बॉडी में जाकर उसे पैरालाइज करता है और उसकी डेथ हो जाती है। जैसे कि हीट, जो कि हम कॉकरोच पर स्प्रे करते हैं और कॉकरोच पर स्प्रे करने के बाद वो पैरालाइज होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये हुआ कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स के बारे में। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड। सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड जो है हम प्लांट्स पर स्प्रे करते हैं, उसके बाद में वो प्लांट में रन करता है। रन करने के बाद जो है इंसेक्ट आता है उस प्लांट के पार्ट्स को या लीव्स को खाता है और खाते ही वो पैरालाइज होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये हुआ सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड। तो ये दो कॉमन टाइप्स जो इंसेक्टिसाइड्स के हैं हमें देखने को मिलते हैं। तो अब देखते हैं इंसेक्टिसाइड जो है वो कैसे काम करता है। हम देखने वाले हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट क्लास के बारे में, जो कि डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है। कैसे, तो जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है 9 सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और ये 9 सेल जो है एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तब जाके हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है प्रॉपरली काम करती है। सेम ऐसा ही सिस्टम जो है वो इंसेक्ट में भी है। यहाँ पर दो नौ सेल्स हैं और दो नौ सेल्स के बीच में जो गैप है इसे हम कहते हैं सिनेप्स। तो एक मॉलिक्यूल के जरिए जो है ये कम्युनिकेशन चलता है, जिसे कि हम एसिटिकोलाइन कहते हैं। ये एसिटिकोलाइन मॉलिक्यूल जो है एक नौ सेल से दूसरी नौ सेल में जाता है सिनेप्स के बीच में से, जो कि एक दो नौ सेल में की गैप है। तो ये जो सिनेप्स है इसके बीच में जो है एक एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है, जिसे कि हम एसिटिकोलिनेटरेज कहते हैं। ये जो एसिटिकोलिनेटरेज एंजाइम है यह क्या करता है, आने वाला जो एसिटिकोलाइन मॉलिक्यूल है उसे ब्रेक करने का काम करता है, तब जाके साइकिल जो है प्रॉपरली वर्क कर पाती है। अब ये जो इंसेक्टिसाइड से यह क्या काम करते हैं, तो इंसेक्टिसाइड जो है रोकते हैं एसिटिकोलिनेटरेज एंजाइम को, यानी कि एसिटिकोलिनेटरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, उसको जो है एसिटिकोलाइन को ब्रेक डाउन नहीं करने देते। तो यहाँ पर जो है नर्वस सिस्टम की साइकिल क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण जो है इंसेक्ट क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर एसिटिकोलाइन वहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी और इसे डिस्टर्ब करने का काम जो है इंसेक्टिसाइड्स करता है, क्योंकि वो एसिटिकोलिनेटरेज एंजाइम को रोक रहा है एसिटिकोलिन को ब्रेक डाउन करने से। तो इंसेक्टिसाइड जो है इसी तरीके से काम करता है। मिलेथियन जो है एक कॉमन इंसेक्टिसाइड से, जो कि कई फ्रूट फ्लाई और इंसेक्ट को मौत के घाट उतार देता है। नेक्स्ट है बीटी इंसेक्टिसाइड। बीटी यानी कि क्या, बैसिलस थोरेजेनेसिस, जो कि एक सॉइल बैक्टीरिया है। अब ये जो सॉइल बैक्टीरिया है यह एक केमिकल को प्रोड्यूस करता है जो कि कई इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक रहता है। तो ये जो केमिकल प्रोड्यूस होता है इसके कारण जो है कई इंसेक्ट की लार्वल स्टेज में ही मृत्यु हो जाती है। ये ह्यूमन के लिए टॉक्सिक नहीं रहता, लेकिन कई इंसेक्ट फैमिली के लिए जो है यह टॉक्सिक रहता है। इससे जो है कई इंसेक्ट की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इसे बीटी इंसेक्टिसाइड्स कहा जाता है, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट है नियोनिकोटिनाइड्स, जो कि सिंथेटिक वर्जन है निकोटीन का। इसमें जो है इंसेक्ट पैरालाइज हो जाता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये ह्यूमन पर इफेक्ट नहीं करता, लेकिन इंसेक्ट पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है और इसके कारण जो है कई हनीबीज के फैमिली जो है वो गायब हो चुकी थी, यानी कि कोलैप्स हो चुकी थी, उसके चलते जो है इसे बैन कर दिया गया है। तो इंसेक्टिसाइड जो है वो तीन चीज़ों से बनते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और नेचुरली ऑकरिंग जो केमिकल्स रहते हैं उनसे।
तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हेवी मेटल्स है जैसे कि आर्गेनिक, कॉपर, फ्लोरीन, सल्फर, इनका यूज़ करके जो है इंसेक्टिसाइड को बनाया जाता है। ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जो है वो कार्बन मॉलिक्यूल से बनते हैं, यानी कि कार्बन मॉलिक्यूल का यूज़ करके जो है इंसेक्टिसाइड्स को बनाया जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल इंसेक्टिसाइड। तो नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स यानी कि क्या, वो जो केमिकल्स है वो किसी प्लांट से मिलता है या फिर किसी बैक्टीरिया से ही मिल जाता है और उससे जो है इंसेक्ट की मौत होती है, जैसे कि निकोटीन, पायरेथम, ये जो है एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं नेचुरली और इनसे जो है इंसेक्टिसाइड्स बनता है और इंसेक्ट मरते हैं, जिसे कि हम नेचुरल इंसेक्टिसाइड कहते हैं। तो ये जो है कई टाइप्स है इंसेक्टिसाइड्स के। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इंसेक्टिसाइड्स कैसे काम करता है। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।